हेलो फ्रेंड, सभी को मेरा जय हिंद। और आप सभी कैसे हो? मुझे आशा है कि आप अच्छे होंगे और अपनी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। देखो, बहुत से फ्रेंड्स के बार बार क्वेश्चन और कमेंट यही आ रहा था कि जो रेलवे TTE की वैकेंसी है वो कब तक आएंगी। बार बार यही क्वेश्चन था कि कब से फॉर्म भरे जाएंगे। तो मैं उन सभी से ऐसे ही बताया कि देखो, बस आप अपनी तैयारी करते रहिए, वैकेंसी तो जब आती हैं तो आ जाएंगी और वैकेंसी चली जाएंगी। उसके लिए आपको पहले से तैयार रहना है, चाहे पढ़ाई हो या कुछ भी हो। देखो, पहले से तैयारी करनी होती है। अभी कल एक न्यूज आया था, न्यूज़ में आपने अखबार में देखा होगा कि रेलवे NTPC के बारे में बता रखा था, स्टेशन मास्टर सभी की जो, और ट्रेन मैनेजर, गुड्स गार्ड, TTE, CCTC सभी के बारे में, वैकेंसी के बारे में बता रखा था, और पैरा मेडिकल SSC JEE। तो वो क्या बात है, क्या उसमें सबको सही जानकारी थी या क्या था, इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट बता दूंगा। तो देखो, ये आपके सामने अखबार की जो कटिंग है वो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप इसको देख सकते हो, जो रेलवे NTPC की वैकेंसियों के बारे में इसमें सब कुछ बता दिया गया है। बट ये अब ये कितना सही है, क्या है, ये किस डिपेंड न्यूज है, क्या है, रेलवे बोर्ड से मीडिया वालों ने जानकारी ली है कि किस तरीके से इस न्यूज को बनाया है, तो ये इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी कि क्या है इसका, क्या आपकी वैकेंसी रियल में जून में आने वाली है कि नहीं। और देखो, जब भी फ्रेंड्स का कमेंट आया तो मैंने यही आपको सलाह दी थी कि आपकी वैकेंसी है वो जुलाई के समथिंग, जुलाई में या जुलाई आफ्टर जुलाई आने की संभावना है। और देखो, किसी भी वैकेंसी की जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तो हम नहीं मान सकते कि वैकेंसी आ गई। एक बार तो आपको पता होगा कि किसी भी चीज़ की एग्जाम डेट दे देते हैं, वो भी आगे बढ़ा दिया जाती है, तो फिर क्या है, वैकेंसी को मान सकते हैं? बट आपको तैयारी तो करनी है, आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। जब भी आपकी वैकेंसी आए तो बस फिर और आप अच्छे से तैयारी करिए, अपना टाइम बढ़ाइए पढ़ने का, और आपको सफलता लेनी है। तो देखो, जो कल जो न्यूज आई थी तो वो किस पे, इसमें जो न्यूज वालों ने दिया है तो ये जानकारी उन्होंने दी है वो सही दी है, बट उन्होंने किसी भी रेलवे बोर्ड से या किसी रेलवे अधिकारी से जानकारी पूछी नहीं है कि वैकेंसी है जो NTPC की वैकेंसी है वो कब तक आएंगी, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया है। अभी फरवरी मंथ में ना आपका एक रेलवे का नोटिफिकेशन आया था, उसमें रेलवे की जो एग्जाम भर्तियाँ थी उनके बारे में कैलेंडर था, तो वो मैं आपको स्क्रीन में आप देख सकते हो, इसमें डेट मेंशन कही थी कि ALP की वैकेंसी कब आएंगी, टेक्नीशियन की कब आएंगी, एंड RPF और जो NTPC के थ्रू ही CCTC और TTE की वैकेंसी आती हैं, तो उसमें सब कुछ मेंशन था। तो ये आप इसमें देख सकते हो कि क्या है, उसमें ग्रुप डी की वैकेंसियों का डेट दिखाया था कि कब तक संभावना है आने की। तो इस तरीके से जो मीडिया वालों ने क्या किया है कि उस नोटिफिकेशन पर फिर से नज़र डाली है, और उन्होंने अपनी तरफ से ही उसको संभावना व्यक्त की आपके लिए कि जून माह में, जो ऐसे बताया कि जुलाई की। तो देखो, अब जब ALP की वैकेंसी का था नोटिफिकेशन जो मंथ दे रखा था उससे पहले ही थोड़ा आ गया, तो देखो आगे पीछे हो जाता है, उसमें कोई नहीं है। तो जो ये आप बस यही है कि अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए, और संभावनाएं हम भी यही करते हैं कि आपकी वैकेंसी जल्दी से जल्दी आए, और बस आप अपनी मतलब सिलेक्शन लो, अपनी अच्छे से पढ़ाई करो, सिलेक्शन लो, सफलता करके हमारे साथ में रेलवे में जॉब करने के लिए आ जाओ। तो बस मस्त रहिए, पढ़ाई कीजिए, और कोई भी आपको डाउट हो किसी भी तरीके का तो आपको परेशान नहीं होना है, आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे भी कमेंट के क्वेश्चन और कोई भी आपका डाउट होता है तो उसके मैं नहीं तो जो हमारे ग्रुप में मेंबर जुड़े हुए हैं वो सभी एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो अच्छा लगता है। और देखो, बहुत से यूट्यूब वाले या कोई भी, मैं नाम नहीं लूँगा, बट बहुत से क्या है कि वैसे ही अफवाह फैला देते हैं कि देखो वैकेंसी आ गई जनवरी से। एक मैंने देखा था, एक फ्रेंड्स ने वीडियो भेजा था और उसका स्क्रीनशॉट भी भेजा था मेरे को टेलीग्राम पे, उसने शो कर रखा था कि इतनी वैकेंसी आ रही है, इतनी सैलरी होती है और डेट फॉरम डेट, तो ऐसा कुछ नहीं। अभी अभी आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा तो हम आपको बता देंगे। तो बस आपको क्या करना है, अपनी तैयारी में लगे रहिए, जैसे ही ये वैकेंसी आएंगी तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कोई भी आपको झूठी जानकारी नहीं मिलेगी यहाँ से, ठीक है, जो भी मिलेगी। मेरे पास एक कल पता चल गया था मेरे को, बट क्या है कि मैं फ्री हुआ तो मैंने आपको आज, तो कल थोड़ा फ्री नहीं था तो मैंने वीडियो बना ली और आपको इन्फॉर्म कर दिया, और वैसे भी मैंने यूट्यूब पे पोस्ट करी दी थी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड लाइक करना वीडियो को, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, क्योंकि आपने मेरी कोई भी वीडियो देख लेना, जिस भी फ्रेंड ने अगर कमेंट किया है तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं सबका रिप्लाई दूँ। तो बस मस्त रहिए और पढ़ाई कीजिए, आपकी वैकेंसी जुलाई के समथिंग आने की संभावना है। तो मैंने आपको बताया था कि आपकी वैकेंसी जुलाई के बाद में आने की संभावना है, तो देखो अभी यही है कि आपकी वैकेंसी जुलाई में आने की संभावना है, और हो सकता है थोड़ा जल्दी या लेट हो जाए, बट कोई नहीं, आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, और कोई भी डाउट हो तो बस कमेंट कर देना, और मस्त रहे कि आपको अपनी पढ़ाई करनी है बस। देखो वैकेंसी तो आ जाएंगी तो फिर क्या करोगे आप, अभी से एक बार अपना सिलेबस कवर कीजिए और रिविजन करते रहिए, एंड मॉक टेस्ट लगाइए जिनका सिलेबस कवर हो गया है। और देखो ग्रुप डी की वैकेंसी नवंबर दिसंबर में आपकी आई जाएंगी, और अभी रेलवे NTPC और JEE पैरामेडिकल एंड जूनियर इंजीनियर JEE की वैकेंसी आने वाली हैं। तो बस आप अपनी तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यहाँ से आपको सही जानकारी मिलेगी,
तो जय हिंद दोस्तों, बाय।